काल चक्र चलता रहा और समय के साथ पद्मावती बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई। सखी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? जरा ध्यान से सुनो, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। कुछ करो सखी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ देवी, अरे बाप रे, वो देखो, वो हाथी पागल होकर हमारी दिशा में आ रहा है। सौभाग्य से उस पागल हाथी के पीछे स्वयं नारायण आ रहे थे। उन्होंने उस हाथी को रोका, वहाँ भयंकर लड़ाई हुई। आखिर नारायण ने उस हाथी को भगा दिया। रुकिए, आपने बिना अनुमति राजवाटिका में प्रवेश कैसे किया? ये महाराज आकाश राजन की वाटिका है, जानते नहीं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इस रंग बिरंगी फूलों से भरे बगीचे में तितली जैसी सुंदर युवती को देखकर मैं समझ गया कि ये जरूर राज बगीचा होगा। तुम कौन हो सुंदरी? भूलोक पर तुम्हारे इस स्वर्गीय सौंदर्य ने मुझे मोहित किया है। अब तो बस मैं सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। खबरदार, क्या आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? यह महाराज आकाश राजन की कन्या राजकुमारी पद्मावती है। राजकुमारी है तो क्या हुआ, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता? अरे मैं भी ऊंचे कुल का हूँ। बस करो, मेरा विवाह भगवान श्रीनिवास के साथ होने वाला है। इसकी घोषणा हो चुकी है, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए।